उल्टी में आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया को प्रचार में हंगामे के बाद भाजपा के अंदर कलह और गहराता जा रहा है। भाजपा समर्थक जीशान कुरैशी ने कुल्टी से भाजपा विधायक के बेटे केशव पोद्दार पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाया है। कुरैशी ने इस बाबत कुल्टी थाना में केशव पोद्दार और अन्य के खिलाफ शिकायत की है। वहीं मोबाइल द्वारा संपर्क किए जाने के बाद भाजपा युवा नेता केशव पोद्दार ने एएनएम न्यूज को बताया कि उनके खिलाफ यह एक षड्यंत्र है। जीशान तो बस एक मोहरा है, उसके पीछे कौन है इसकी जांच होनी चाहिए। एएनएम न्यूज ब्यूरो। ठीक है, इसीलिए हम चलो यहाँ रुक कर उनसे बात करेंगे। बात करने गए हैं तो बात करते क्या करेंगे, अपना परिचय देते देते पीछे से कुल्टी के जो विधायक है डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार, वो पीछे से अपने गार्ड को इशारा करते हैं और अपने समर्थकों को इशारा करते हैं कि जीशान को साइड करो। ठीक है, इस तरह का वीडियो आप लोग देखेंगे, देखिएगा कि किस तरह का साइड करवा रहे हैं। उसके बाद कार्यकर्ताओं लोग कालर पकड़ कर ये इस तरह का धक्का मुक्की करके हमको बाहर कर दिया गया। घटना होने के बाद कुछ दूर सुरेंद्र सिंह अहलूवालिया जी गए आगे। ठीक है, उसके आगे जाने के बाद कुल्टी विधायक के जो पुत्र हैं केशव पोद्दार और उसके साथ सात से आठ लोग होंगे, वो लोग आए। हम घर के पास ही थे, मेरे घर के पास गली है, घर से निकलने का गली के पास, जैसे हम मतलब खड़े थे, मेरे साथ एक ही लड़का था उस टाइम। उसके बाद क्या हुआ, आया फाइटा फाइटी पूरा मार करने लगा, यहाँ भी चोट आया है वगैरह वगैरह बहुत सारा। और इशारे के बाद जहाँ तक आप बोल रहे हैं, मेरा नाम जीशान कुरैशी, हम किसी के इशारे पर नहीं करते हैं। हम कुल्टी थाना में लिखित एक शिकायत दर्ज की है। कुल्टी विधायक के पुत्र जो मुख्य मतलब आगे थे मारने। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एएनएम न्यूज़, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।